से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इन प्रत्याशी में छिंदवाड़ा से सांसद नकुलनाथ जी का नाम सामने आया है, वो हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम आज घोषित हो गया है, घोषित तौर पर अब आप प्रत्याशी हैं, सारी अड़चनों को विराम लग चुका है, कैसी तैयारी है इस समय? तैयारी तो मैंने विधानसभा चुनाव के समय से ही तैयारी शुरू कर दी थी और मुझे पूरा विश्वास है, मैं जिले के हर कोने में दौरा कर रहा हूँ और मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा भरोसा है कि एक बार फिर वो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे देंगे। ये जो अभी के हालात हैं, केंद्र में सरकार है भाजपा की, राज्य में सरकार है भाजपा की, कितना चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको इस? बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ 2004 का। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार केंद्र में थी, राज्य में भाजपा की सरकार थी और 2004 में आठों के आठों विधायक बीजेपी के थे, जिला पंचायत बीजेपी की थी, नगर निगम बीजेपी की थी, 90% नगर पालिका नगर परिषद बीजेपी के पास थी। आज मेरा मानना है कि हम 2004 से अच्छी स्थिति में हैं। ये जो अभी जो दिख रहा है प्रदेश भर में जो चल रहा है, कांग्रेस बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता पलायन कर रहे हैं भाजपा से, क्योंकि आप एकमात्र सांसद रहे छिंदवाड़ा से, 29 सीटों में से एकमात्र छिंदवाड़ा में रही है आपकी, क्या मानते हैं किस तरीके से सुधार की आवश्यकता है या किस तरीके की दिक्कतें पेश आएंगी? देखिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा और मेरे परिवार का छिंदवाड़ा के साथ राजनीतिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध था, पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक संबंध रहेगा। ये जो अफवाहें कुछ दिन पहले फैली, ये तो मीडिया वालों ने फैलाई, भारतीय जनता पार्टी वालों ने फैलाई कि हमारे कार्यकर्ता का मॉरल डाउन हो, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मॉरल बिल्कुल नहीं, मनोबल बिल्कुल नहीं टूटा। वो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि विधानसभा से भी ज्यादा मेहनत और ताकत से वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। ये थे हमारे साथ सांसद नकुलनाथ, जिनका पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार विधानसभा से कहीं ज्यादा लोकसभा में वो वोट हासिल करेंगे और बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। राजेश करमेले, News18 छिंदवाड़ा। और हमारे साथ हमारे एडिटर सुधीर दीक्षित लगातार